हे व्हाट्सअप गाइस, कैसा आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ वन प्लस सेवन, वन प्लस सेवन प्रो, वन प्लस सेवन टी और वन प्लस सेवन टी प्रो डिवाइस के बारे में। और इनके लिए करेक्ट इन्फॉर्मेशन है ना, वो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ कि इन चारों ही डिवाइस के लिए फाइनली आप लोगों को इंडिया में ऑक्सीजन ओएस 12.1 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 12 का अपडेट है ना, वो रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। अभी मेरे पास में यहाँ पर वन प्लस का दूसरा वाला डिवाइस है, वन प्लस सेवन सीरीज का डिवाइस नहीं है, लेकिन फीचर है ना वो मैं आपको सारे इस वीडियो में यहाँ पर बताने वाला हूँ। सो वीडियो को आपको क्या करना है, पूरा यहाँ पर देखते रहना है। और जो यहाँ पर बग्स आ रहे हैं ना, मेरे कई सब्सक्राइबर है जिसने मेरे साथ में यहाँ पर बग्स है वो यहाँ पर शेयर किए हैं कि ये जो प्रॉब्लम है ना वो हमको यहाँ पर फेस करनी पड़ रही है इस अपडेट के अंदर। तो आपको मैं वीडियो के एंड में ये भी बताऊंगा कि आप लोगों को अपडेट है ना वो यहाँ पर करना चाहिए या फिर नहीं वन प्लस सेवन टी सीरीज के अंदर और वन प्लस सेवन प्रो सीरीज के अंदर। सो आपको वीडियो को पूरे देखते रहना है। और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रही है, वीडियो को अभी तक में आप पर लाइक नहीं किया है, सो वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो का जो लाइक टारगेट है वो है 200 लाइक का। सो देखते हैं आप लोग कितना जल्दी इसको यहां पर कंप्लीट कर पाते हो। और चैनल पे अगर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हो तो इसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है, साथ बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना। आज तो यार अपडेट यहाँ पर रिलीज हुआ है, इस बात पे आप लोग चैनल को तो सब्सक्राइब यहाँ पर कर ही सकते हो। अब गाइस यहाँ पर जितने भी जो बग्स हैं ना उनके बारे में आपको बताऊंगा वीडियो में आगे, लेकिन पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं आप लोगों को इस अपडेट के अंदर कौन कौन से चेंजेस है ना वो यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कंट्रोल सेंटर है, इसका जो लेआउट है, इसका जो लुक है ना वो आप लोगों को यहाँ पर कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। और यहाँ पर आपकी जो पूरी सेटिंग एप्लीकेशन है इसका पूरा का पूरा जो लुक है यहाँ पर वो चेंज हो चुका है। ये जितने भी जो आपको आइकन देखने को मिलते हैं ना इनके लोगो है वो यहाँ पर चेंज हो चुके हैं ऑक्सीजन ओएस 12.1 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 12 अपडेट के अंदर। और वही मैं आप लोगों से बात करूं कुछ और चेंजेस के बारे में, तो यहाँ पर जो अपडेट का अबाउट फोन का जो यहाँ पर जो लेआउट है वो यहाँ पर कुछ इस तरीके का कर दिया गया है जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर आप लोगों को एंड्रॉइड 12 है ना वो भी मेंशन हो चुका है कि यहाँ पर एंड्रॉइड 12 का जो अपडेट है ना वो आप लोगों ने यहाँ पर कर लिया है बीटा के थ्रू। पर्सनलाइजेशन का जो ऑप्शन है, इसका लेआउट है वो आप लोगों को यहाँ पर कुछ इस तरीके का देखने को मिला है इस अपडेट के अंदर, जहां पर आप लोग देख सकते हो आप लोगों को यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, वॉलपेपर, थीम और नीचे की तरफ जितने भी जो आप लोगों को ऑप्शन देखने को मिलते हैं वो नए यहाँ पर एड किए गए हैं। लाइव वॉलपेपर है वो आपको सेम देखने को मिलेंगे जो कि आपकी डिवाइस के अंदर आप लोगों को यहाँ पर मिले थे जब आप लोगों ने यहाँ पर डिवाइस जाना वहां पर परचेज किया था। और जो स्टैटिक वॉलपेपर है वो भी आपको सेम मिलेंगे जैसा कि आप लोगों ने अपना डिवाइस जाना उसको यहाँ पर परचेज किया था। तो वॉलपेपर के अंदर आपको ज्यादा डिफरेंस है ना वहां पर समझ में नहीं आएगा, बस थोड़ी बहुत एनिमेशन है ना वो चेंज कर दी गई है जो कि मैं आपको वीडियो में कंप्लीट यहाँ पर बताने वाला हूँ। बात कर लेते हैं नेक्स्ट चेंज के बारे में जो कि आपको इस अपडेट के अंदर मिला है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, आप लोग आइकन के अंदर जाओगे ना सो इनकी जो शेप है वो आप लोग चेंज कर सकते हो। और थोड़ा बहुत आप लोगों को कलर ओएस के जो फीचर है ना वो यहाँ पर एड देखने को मिले हैं ऑक्सीजन ओएस 12.1 के अपडेट के अंदर। आइकन आपको मिल जाएंगे, रिस्टोर का ऑप्शन मिल जाएगा और भी कई सारे चेंजेज मिल जाएंगे जैसे कि डिफॉल्ट पे आप लोग सेट कर सकते हो, मटेरियल डिजाइन है वो आप लोग सेट कर सकते हो और इनके टेक्स्ट है वो छोटे बड़े कर सकते हो, टेक्स्ट को यहाँ पर हाइड भी कर सकते हो और इनकी जो शेप है वो आप लोग चेंज कर सकते हो। और पीपल के और भी आपको कई सारे चेंजेस है ना वो इसके अंदर मिलते हैं। अब यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, इसके अंदर मैं अपनी कोई भी एक फोटो है ना उसको यहाँ पर चूज कर लेता हूँ। सो ये एज ए कैनवास एओडी का आप लोगों को फीचर है ना वो यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे कि मान लो गाइस मैंने ये वाली फोटो है ना वो मैंने यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लिया है तो क्या होगा, यहाँ पर जो आउटलाइन है ना वो यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगी। तो इसको आप लोग यहाँ पर मैन्युअली सेट भी कर सकते हो, जैसे कि बीच में सेट कर सकते हो, कुछ स्केच वाले हैं वो भी आप लोग सेट कर सकते हो, ग्लो का आपको ऑप्शन मिल जाएगा और जो आपको जो यहाँ पर थोड़ी बड़ी यहाँ पर टेक्स्टिंग है ना वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। तो इस तरीके का फाइनल लेआउट है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। अब आप लोग बैक आके इसको सेव कर सकते हो और यहाँ पर जैसे कि ये फोटो इतनी है ना तो आप लोग इसको इतनी बड़ी भी कर सकते हो जैसे कि मैं आपको अभी यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर इसकी आप लोग इमेज है वो बड़ी कर सकते हो, प्रीव्यू है वो आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर प्रीव्यू आप लोग जैसे चेक करोगे तो यहाँ पर ये जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे आप लोग प्ले करोगे तो यहाँ पर आपकी जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है ना वो सबसे पहले यहाँ पर शो होगी जो कि यहाँ पर कुछ इस तरीके की है। ये लॉक स्क्रीन है, ये होम स्क्रीन है, एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, आई थिंक आपको इतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा, सब कुछ फास्ट फास्ट यहाँ पर हो गया है। तो यहाँ पर गाइज आप लोग देख सकते हो ये आपकी लॉक स्क्रीन है, ये होम स्क्रीन है। सो इस तरीके का आप लोगों को चेंजेस है
ना वो आपको यहाँ पर मिलेगा आपके डिवाइस के अंदर। कैनवास ईओडी का नया वाला वर्जन है वो यहाँ पर आ चुका है। और अब बात कर लेते हैं एक और चेंज के बारे में जो कि आप लोगों को इस अपडेट के अंदर मिला है। तो वापस से आप लोगों को यहाँ पर जो सेटिंग एप्लीकेशन है उसी को ओपन कर लेना है। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप लोगों ने अभी तक भी वन प्लस ऑक्सीजन ओएस का टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन नहीं किया तो इसको आपको लोग ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको वॉलपेपर पसंद है ना तो आप लोग सहेज वॉलपेपर का टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में तो प्रोवाइड नहीं करा पाऊंगा लेकिन आप लोग डायरेक्टली टेलीग्राम पे सर्च करके इसको यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो और वॉलपेपर को आप लोग यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। बात कर लेते हैं नेक्स्ट चेंज के बारे में जो कि आप लोगों को इस अपडेट के अंदर देखने को मिले हैं। तो वापस से आप लोगों को सेटिंग एप्लीकेशन है ना उसी को यहाँ पर ओपन कर लेना है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर आपको और कई सारी क्लो करना वहाँ पर मिल जाएंगे और इनके थोड़े बहुत आप लोगों को चेंजेस आना वो भी यहाँ पर मिल जाएंगे जो कि कुछ इस तरह के हैं। बिटमोजी है वो आप लोग यहाँ पर सेट कर सकते हो लेकिन उसके लिए कोई अलग आप लोगों को यहाँ पर डाउनलोड करना पड़ सकता है वॉलपेपर। तो इस तरीके से गाइज आप लोगों को कुछ यहाँ पर चेंजेस आना वो यहाँ पर मिल जाते हैं, जैसे कि ये सारी आप लोगों को क्लो करना वो मिल जाती है। सो इनको मैं यहाँ पर स्किप कर देता हूँ। बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट चेंज के बारे में जो कि इस अपडेट के अंदर एड किया गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है ना, इसके अंदर आप लोगों को और भी कई सारे चेंजेस है ना वो तो यहाँ पर मिलते हैं। साथ ही में आप लोगों को ये जो कलर मिलता है ना रेड वाला वो थोड़ा यहाँ पर और ब्राइट कर दिया गया है जो कि दिखने में और भी ज्यादा यहाँ पर अच्छा लगता है। और भी गाइज आप लोगों को कई सारे चेंजेस मिलते हैं, जैसे कि क्विक सेटिंग के अंदर आप लोग इनकी शेप है ना वो आप लोग यहाँ पर चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की जो शेप है ना वो आपको मिल जाएगी। सेम ऑक्सीजन ओएस की जो शेप है ना वो आप लोगों को रखनी है जो कि राउंड वाली है, ये ज्यादा यहाँ पर दिखने में अच्छी लगती है। इंस्टेंट आप लोगों को और भी कई सारी शेप्स है ना वो मिल जाती है तो इनको यूज मत कीजिए। यहाँ पर कलर के ऑप्शन मिलते हैं। अभी एंड्रॉइड 12 का फीचर है ना वो यहाँ पर आपको मिलता है जो कि गूगल की तरफ से ऐड कर दिया गया है। यहाँ पर अगर आप लोगों को कलर है ना वो सेलेक्ट करते हो तो वो आपके कंट्रोल सेंटर और पूरे के पूरे डिवाइस के अंदर सेट हो जाएगा। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर ऑरेंज कलर सेट कर लेता हूँ तो ऑरेंज कलर है ना रेड कलर है वो आपका जो कंट्रोल सेंटर है ना इसके अंदर भी सेट हो चुका है। पर्पल कलर है वो आप लोग सेट कर सकते हो जो कि कुछ इस तरीके का है। पिंक कलर का ऑप्शन मिल जाएगा और अगर आप लोग इनसे बोर हो जाते हो तो आप लोगों को यहाँ पर कलर का सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, कलर सेलेक्ट करने का ऑप्शन है ना वो भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है वन प्लस की ओर से। और अब बात कर लेते हैं एक और चेंज के बारे में जो कि आप लोगों को इस अपडेट के अंदर मिलता है। तो क्लोक एप्लीकेशन को अगर आप ओपन करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को रेड कलर का कलर कॉम्बिनेशन है ना वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाता है जो कि यहाँ पर कुछ इस तरीके का है। और यहाँ पर अगर आप लोग जाते हो माई फाइल एप्लीकेशन के अंदर, सो माई फाइल की जो एप्लीकेशन है ना उसके अंदर भी आप लोगों को और भी कई सारे चेंजेस है ना वो देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि रेड कलर है ना वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख तो रेड कलर है वो आपकी पूरी की पूरी क्लोक एप्लीकेशन है ना इसके अंदर यहाँ पर सेट हो चुका है। तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन के बारे में। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन है कैलकुलेटर एप्लीकेशन, एक बार मैं इसको सर्च कर लेता हूँ। तो इसको ओपन करने के बाद में इसके अंदर भी आपको रेड कलर का जो लेआउट है ना वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो ये भी गाइज आप लोग देख तो पूरे के पूरा जो आपका डिवाइस है ना उसके अंदर एक ही जो कलर है वो सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोग अपना कोई भी फेवरेट कलर है उसको चूज कर दो। माई फाइल एप्लीकेशन है इसके अंदर भी ब्लू कलर और रेड कलर के आप लोगों को कलर कॉम्बिनेशन है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाते हैं। आप लोग स्टोरेज है उसको एनालाइज कर सकते हो कि कितना आपका स्टोरेज है ना वो यहाँ पर यूज में होके रखा है। और इनकी जो कलर रिंग है ना वो भी यहाँ पर वन प्लस की ओर से हल्की सी यहाँ पर चेंज की गई है। रिसेंट के अंदर भी आप लोगों को यहाँ पर जो आपकी इमेजेस है ना वो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। तो आप लोग देख दो फाइनल आप लोगों को यहाँ पर माई फाइल एप्लीकेशन है इसका लेआउट है वो आप लोगों को यहाँ पर कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। करते हैं इसको क्लोज और बात कर लेते हैं नेक्स्ट फीचर के बारे में। तो नेक्स्ट फीचर गाइस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा आपकी यूट्यूब ऐप के अंदर। तो इसके अंदर कौन सा फीचर है आप लोग सोच रहे होंगे, तो नहीं इसके अंदर एनिमेशन है ना वो ऐड की गई है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख तो आप लोग को यहाँ पर कुछ इस तरीके की एनिमेशन मिलती है जहां पर पूरा पेज है वो लेफ्ट साइड की तरफ यहाँ पर स्वाइप होता है। एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, तो ये पूरा पेज इधर की साइड यहाँ पर मूव हो रहा है तो ये एनिमेशन ऐड की गई है। अभी पेज पूरा ऊपर की तरफ यहाँ पर मूव हो रहा है तो इसी तरीके से चारों साइड में आप लोगों को यहाँ पर जो एनिमेशन है वहां पर मिल जाएगी। अभी मैं आपको पेज है वो इस तरीके से मूव करके दिखाता हूँ तो आप लोग
देख तो पेज जब वो इधर की तरफ मूव हो रहा है और ऊपर की तरफ भी पेज है ना वो मूव हो रहा है, और नीचे की तरफ करने के लिए आप लोगों यहाँ पर वीडियोस वाला सेक्शन है इसको ओपन करना पड़ेगा जहां पर पेज है वो नीचे की तरफ यहाँ पर मूव होगा। तो ये कंप्लीट एनिमेशन है वो आपको यहाँ पर मिलती है आपके वन प्लस के डिवाइस के अंदर। बात कर लेते हैं और कुछ चेंजेस के बारे में। तो यहाँ पर अगर आप लोग ओपन करोगे फॉन्ट एंड डिस्प्ले साइज, तो इसका लेआउट है वो सेम है, ज्यादा यहाँ पर चेंज नहीं मिलता। ओनली रेड कलर है वो सेट हो चुका है जो कि हम लोगों ने वीडियो के बीच में यहाँ पर रेड कलर सेट किया था। फिंगरप्रिंट एनिमेशन है जो कि आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके की देखने को मिलेंगी जो कि सारी पुरानी वाली है, और एज लाइटिंग है उसका भी आप लोगों को ऑप्शन मिल जाता है जो कि यहाँ पर कुछ इस तरीके की आप लोगों को एज लाइटिंग के यहाँ पर जो ऑप्शन है ना वो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं वन प्लस के डिवाइस के अंदर। अब बात कर लेते हैं गाइस एक और नए चेंज के बारे में जो कि आप लोगों को इस अपडेट के अंदर मिला है। तो अगर आप लोगों ने यहाँ पर अभी तक भी प्राइवेसी को ओपन नहीं किया है तो प्राइवेसी डैशबोर्ड को ओपन कर लेना है। वन ऑफ द बेस्ट सिक्योर फीचर है वो आपको यहाँ पर मिलता है वन प्लस के ऑक्सीजन ओएस 12.1 के ओपन बीटा अपडेट के अंदर। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो इसका लेआउट कुछ इस तरीके का है। कैमरे के अंदर आप लोग चेक कर सकते हो कौन कौन से ऐप ने आपका कैमरा ऐप ना उसको यहाँ पर यूज किया है, और इसकी सेटिंग है वो आप लोग चेंज कर सकते हो। माइक्रोफोन को आप लोग चेक कर सकते हो, जैसे कि मैं मीटिंग वगैरह ज्यादा लेता हूँ इसलिए जूम का नेम है ना वो आपको थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके का गाइस आप लोगों को यहाँ पर लेआउट है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है माइक्रोफोन के अंदर और कैमरे के अंदर। अभी मैं आपको कैमरा ऐप है ना वो ओपन करके दिखा देता हूँ, और साथ ही मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि अगर आप लोग इसको ओपन करोगे ना तो राइट साइड में टॉप की तरफ आप लोगों को एक ग्रीन कलर का डॉट है वो विजिबल हो जाएगा जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो स्टेटस बार के अंदर सेट हो चुका है। अगर आप लोग इसमें अपर प्रेस करोगे ना तो आप लोगों को यहाँ पर लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा कैमरा लोगो बींग यूज्ड बाय कैमरा, माइक्रोफोन लोगो बींग यूज्ड बाय स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो ये आप लोगों को यहाँ पर सिक्योरिटी के फीचर है ना वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं वन प्लस के ऑक्सीजन ओएस 12.1 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 12 के ओपन बीटा के अपडेट के अंदर। अब बात कर लेते हैं और कुछ चेंजेस के बारे में जो कि आपको इस अपडेट के अंदर मिलते हैं। तो वापस से आप लोगों को यहाँ पर वही एपीके है ना उसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इनकी परमिशन है ना वो आप लोग यहाँ पर चेंज कर सकते हो, और वन प्लस का जो शेल्फ है ना उसका स्टाइल है वो चेंज कर दिया गया है। हालांकि ऊपर की तरफ आप लोगों को थोड़े यहाँ पर बग है ना वहाँ पर मिल सकते हैं, जैसे कि नेवर सेटल है उसकी स्पेलिंग थोड़ी यहाँ पर दबी दबी सी है। तो इस तरीके से आप लोगों को छोटे मोटे बग है ना वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं मेन बग के बारे में जो कि आपको इस अपडेट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। अब सभी को नहीं मिल सकते, आपका जो फोन का जो यूज करने का पैटर्न है उसके ऊपर यहाँ पर डिसाइड करते हैं। तो मैं आपको बता दूं थोड़ी बहुत एनिमेशन है ना वो आप लोगों को यहाँ पर लेग देखने को मिलेगी अगर आप लोग किसी एपीके को यहाँ पर ओपन करते हो क्लोज करते हो, और अगर आप लोग कंट्रोल सेंटर है इसको ओपन क्लोज करते हो तो इसके अंदर कभी कभार आप लोगों को यहाँ पर हल्का सा लेग है ना वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस अगर आप लोग यहाँ पर आपका ये डिवाइस एज ए डेली ड्राइवर नहीं है, मतलब कि ज्यादातर अगर आप लोग अपने डिवाइस को यूज नहीं करते हो तो आप लोग इस अपडेट है इसको बेसिकली इजी तरीके से यहाँ पर कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग पूरे डिपेंडेंट हो आपके फोन के ऊपर तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपको यहाँ पर 2 डेज का वेट कर लेना है। 2 डेज के अंदर मेरी एक नई वीडियो है वो यहाँ पर आएगी जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों को कौन कौन से नए फीचर है ना वो यहाँ पर मिले हैं और आप लोगों को यहाँ पर अपडेट है वो यहाँ पर करना चाहिए या फिर नहीं। वैसे फीचर तो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर सारे यहाँ पर बता दिए हैं। तो वीडियो गाइज अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको आपको सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना। अभी तो बहुत सारे फीचर है ना वो यहाँ पर पेंडिंग है जो कि आप लोगों के साथ में शेयर करने, जैसे कि यहाँ पर बैटरी का लेआउट है वो चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे चेंजेस हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता दोगे कि आपको नेक्स्ट वीडियो है ना वो यहाँ पर कब तक चाहिए। तो गाइज अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन नहीं किया तो इसको आपको ज्वाइन कर लेना है, और अगर आप लोगों ने यहाँ पर वॉलपेपर टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन नहीं किया है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों को सर्च करना है सहेज वॉलपेपर, तो आपको मेरा ये वाला टेलीग्राम चैनल है वो विजिबल हो जाएगा, इसको आपको ज्वाइन कर लेना है। प्लस यहाँ पर कमाल के जो वॉलपेपर है ना वो आप लोग अपने डिवाइस के अंदर सेट कर सकते हो। तो गाइज आज की वीडियो बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।